हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और आज है मदर्स डे, तो मेरा वीडियो तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोडिंग के लिए मैं बना चुकी थी, बट सिंस मदर डे है तो आई डिडंट वांटेड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ, और मेरी मम्मी को भी, मम्मा हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू। और यहाँ से तो मैं सिर्फ विश ही कर सकती हूँ आपको। और यहाँ पे मेरी दूसरी मम्मी भी है जो मेरी मदर इन लॉ है, ये देखिए, इनको भी मैं विश करना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे। और सानू यहाँ पे देखिए मम्मी के लिए ये लेकर आई है मम्मी को विश करने के लिए, बट अभी एकदम शर्मा रही है तो मैं ही दे देती हूँ। हैप्पी मदर्स डे मम्मा, थैंक यू। और सिंस मेरी मम्मी तो बहुत दूर है, तो ये मम्मी के लिए मैं आज को स्पेशल बनाने वाली हूँ। आज संकष्टी है तो हम लोग नॉनवेज तो नहीं खा सकते, तो मैं वेज ही बना रही हूँ। मम्मी को वेज में पनीर बहुत पसंद है, तो आई एम मेकिंग बटर पनीर मसाला और नान फॉर हर। तो मैं एक छोटा सा उनको स्पेशल फील कराने के लिए रेसिपी आज बना रही हूँ। तो आई एम श्योर आप भी अपने मम्मियों को कुछ छोटे वे में उनको खुश कर सकते हैं, जिससे उनको भी आज स्पेशल फील हो। वैसे तो मम्मियों को स्पेशल फील कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी स्पेशल फॉर आज, वो इतना हमारे लिए करते हैं। बट सिंस आज मदर डे है, तो प्लीज आप सब भी अपने मम्मियों को कुछ तो स्पेशल फील कराइए। और मैं आपके साथ रेसिपी नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मैं बनाने वाली हूँ उसका मैं फोटो आपको अपलोड दिखा दूंगी, बट वीडियो कभी रेसिपी कभी नेक्स्ट टाइम शेयर कर लूंगी। तो आज के लिए इतना ही, तो हैप्पी मदर्स डे अगेन टू ऑल। खुश रहो। हाय सानू, गुड इवनिंग। क्या पी रहे हो आप? कौन सा कॉफी? मम्मा ने आपको नाम बताया ना, कौन सा कॉफी बनाया हम लोग ने, दिखाओ। नहीं, डालगेनो कॉफी। हाँ, पसंद है आपको कॉफी? तो आप मेरे साथ शेयर करोगे? अच्छा, आपका कॉफी तो खत्म होने आया, अभी थोड़ा सा ही बचा है, दोगे मुझे कि सब अपने से ही खत्म कर लोगे? आपको इतना पसंद है कॉफी? नानू स्माइल एंड शो, नाउ से बाय, लेट मी एंजॉय माय कॉफी। बोल, लेट मी एंजॉय माय कॉफी। नो, चलो कोई बात नहीं, बाय बाय। हाँ, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को अपने अपने सजेशन दिया कि इस रेसिपी को हम क्या नाम दे सकते हैं। तो बहुत जनों ने उसे आलू चीज़ ट्रायंगल, आलू चीज़ पैटी, आलू चीज़ रोल, अपने अपने वे में उसको नाम दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और मेरे रेसिपी को लाइक कर रहे हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाली वो कोई रेसिपी नहीं है, बट पार्ट ऑफ अ रेसिपी है। जैसे हम महाराष्ट्र में एक पेस्ट बनाया जाता है, जो हम मोस्टली बहुत वेज नॉन वेज या कोई पल्सेस की ग्रेवी बनानी हो तो उसमें यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि मतलब इससे क्या होगा, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको कुछ जल्दी से बनाना है, तो ये आप पेस्ट किसी भी इसमें यूज़ करके फट से अपना खाना बना सकते हो। तो ये मोस्टली हम महाराष्ट्र में जैसे चिकन ग्रेवी में, मटन ग्रेवी या एग ग्रेवी में यूज़ करते हैं, वेज में भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर चना चौली की ग्रेवी बनानी हो या फिर कोई भाजी बनाना हो, जैसे टेंडली की करी बनानी हो या फिर आलू मटर पनीर बनाना हो या आलू मटर बनाना हो, तो उसमें इसे यूज़ करते तो इससे एक अच्छी थिक ग्रेवी बन जाती है और जल्दी से बन जाता है। तो ये रेसिपी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और ये आप आराम से फ्रिज में एक महीना स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना के देखना चाहते हो कि अगर आपको ये पेस्ट पसंद आ रहा है कि नहीं, तो आप पहले एक छोटा
क्वांटिटी बना के देखना, और फिर अगर आपको वो अच्छा लगे उसका टेस्ट फ्लेवर, तो आप बड़े क्वांटिटी में बना के उसको फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और ये सच में बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आपको फट से कुछ बनाना हो ग्रेवी फॉर्म में या कोई सूखा भाजी भी बनाना हो, तो आप इससे इस पेस्ट को यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करना, जरूर देखिए इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक शेयर करना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पेस्ट हम लोग बना लेंगे लेकिन इसे यूज कैसे करना है, तो मैं जिस दिन इस पेस्ट को यूज करके अगर कोई रेसिपी बनाऊंगी तो वो तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, बट मैं आपको एक स्मॉल आइडिया देती हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें आप कांदा टमाटर डाल के उसे अच्छे से कुक कर लीजिए, उसके बाद उसमें अपने सारे मसाले डाल दीजिए जो भी आपको डालना है। उसके बाद आप इसमें जितना आपको ग्रेवी बनाना है 1 टेबल या 2 टेबल स्पून ऑफ दिस पेस्ट उसमें ऐड करके उसको मिक्स कर लीजिए, उसको कवर करके कुक कर लीजिए। जब ऑयल साइड से छूट जाएगा उसके बाद जो भी आप रेसिपी बना रहे हो वेज में, अगर नॉन वेज में बना रहे हो तो चिकन ऐड कर लीजिए या तो मटन ऐड कर लीजिए, या फिर अगर वेज में बना रहे हो तो आपकी जो भी वेजिटेबल्स है वो ऐड कर लीजिए, या अगर आप रॉ पल्सेस बना रहे हो चना चौली तो उसको बॉयल करके ले लीजिए वो ऐड कर दीजिए, और इसको अच्छे से कुक होने दीजिए, तो बस बन जाएगा। और जितना आपको ग्रेवी बनाना है उतना पानी ऐड कर दीजिए। अगर आप कच्चा चना या चौली बनाना चाहते हो कुकर में, तो आप अच्छे से मसाले को पहले बना लीजिए, फिर उसमें अपना चौली चना जो भी डालना हो डाल के 2-3 सीटी लगा लोगे तो आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो जिस दिन भी मैं इस पेस्ट को यूज करके जो भी रेसिपी बनाऊंगी उसे तो मैं अपलोड कर ही दूंगी आपके लिए, तो आप जरूर एक बार इसे बना के ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है लहसुन, ये 6-7 लहसुन है, थोड़ा सा अदरक 1/2 इंच जितना अदरक, 2 इलायची, थोड़ा सा लवंग, थोड़ा सा काली मिरी, 1 स्टार फ्लावर, दालचीनी थोड़ा सा बड़ी शो, और यहाँ पे 3 मीडियम साइज का ये कांदा लिया है, उसको लंबा लंबा काट लिया है, और 1/2 जितना सूखा नारियल उसको खींच के रख दिया है। तो यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया, 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। पहले हम क्या करेंगे, कांदा इसमें पूरा डाल देंगे और उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये कांदा अच्छे से फ्राई हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अभी जो सेम कढ़ाई जिसमें मैंने कांदा फ्राई किया तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और उसमें मैं अभी ये सब जो हमारे ड्राई गरम मसाला है इन्हें ऐड कर दूंगी। अभी हमें इसे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है ताकि तेल में अच्छे से मसाले का फ्लेवर आ जाए, फिर हम इसे प्लेट में वापस निकाल लेंगे। देखिए मसाला भी अच्छे से भून गया, अच्छे से इसमें से एक अरोमा आ रहा है वो पूरे गरम मसाले का मस्त। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा अदरक लहसुन को डाल के इसे हल्का सा सौते कर दूंगी। तो ये अदरक लहसुन भी मैंने अच्छे से हल्का भून लिया है। अभी हम सेम कढ़ाई में ये सूखा नारियल डालेंगे और इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन, मीडियम फ्लेम में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए खोबरा भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब आप इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये गरम मसाला ग्राइंड करके लेंगे, क्योंकि इसको ग्राइंड होने में डिफिकल्टी होता है अगर आप पहले ये यूज कर लोगे, तो इसके लिए पहले हम गरम मसाला डालेंगे। तो ये देखिए हल्का सा क्रश हो गया, अभी हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन भी पीस गया अच्छे से, अभी हम इसमें सूखा नारियल डाल देंगे और इसे ग्राइंड करके लेंगे। अब ऑनियन ऐड करेंगे। अभी ग्राइंड हो गया है, अभी स्लोली स्लोली हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बना देंगे। जो स्टेप मैंने आपको बताया वही स्टेप में आप इसे ग्राइंड करना, वरना ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो अभी हम ग्राइंड करके ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो ये देखिए इसका एक फाइन पेस्ट रेडी हो गया है। अभी आप इसको किसी भी कंटेनर में निकाल के फ्रीजर में अच्छे से 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं।